सात महीने हो गया इस सरकार के बने हुए, बिल्कुल जीरो बटा जीरो, कोई काम नहीं। लाइट का बुरा हाल, पानी का बुरा हाल। लोगों के काम करो, अगर भगवान ने आप लोगों को ये सीट दी है, हो सकता है 10 सालों के लिए दे दे, हो सकता है 1 साल में भी छीन जाए। सुना आपने, यह वही सुरेंद्र रेवड़ी हैं जिनके बारे में चर्चा थी कि भाजपा द्वारा उनको घर बैठा दिया गया है, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो अब भाजपा पानीपत में मानो भूचाल सा आ गया हो। और पानीपत भाजपा में सियासत अब और भी तेज हो गई है, जिसका असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। कोई धरने पर है तो कोई दबावपूर्ण स्थिति में सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक वाक्य जब देखने को मिला, तब पानीपत के सब्जी मंडी में फड़ी माशाखोर के प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे पूर्व विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी, और उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर विधायक, सांसद, मेयर और तो MC को भी निशाने पर लिया। जो मंडी के जो साथी हैं, ये अपने परिवार का हिस्सा हैं, और कल इन लोगों का फ़ोन आया कि आप सुरेंद्र भैया यहाँ पर आओ, और मैं अगर ये नहीं भी बुलाते मेरे को तो भी यहाँ बीच में आना था। और मैं यही चाहता हूँ कि जी इनकी जो बात है वो सांसद महोदय और विधायक महोदय वो इनकी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को बनाने में, चाहे वो मेयर हो चाहे वो MC हो, बनाने में हमेशा सहयोग किया। क्योंकि ये लोग मेहनती लोग हैं, कोई चोरी करने वाले, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। और मुझे सूत्रों से पता चला कि माननीय बुल्ले शाह जी भी यहाँ आए थे, आज सुरेंद्र रेवड़ी आया है, और आज मुझे पता चला कि संयुक्त व्यवहार मंडल के जो प्रधान महोदय हैं, पूरा शहर आप लोगों की साथ दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ा है। सुरेंद्र रेवड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने विधायक पर हमला करते हुए कहा कि विधायक को शहर के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। 7 महीने सरकार को हुए हैं और काम जीरो बट्टा जीरो है, क्या कुछ कहा यह भी हम सुनाते हैं। तो मैं इनके रोम रोम में बसा हुआ हूँ और ये भी मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, क्योंकि जब कोई आपस में सहयोग की जरूरत होती है व्यक्ति एक दूसरे को देता है। और रही बात प्रमोद जी को भी शहर के लिए काम करना पड़ेगा, तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि इन पार्षदों की भी सुनवाई करो, शहर के लोगों की भी सुनवाई करो। 7 महीने हो गया इस सरकार के बने हुए, बिल्कुल जीरो बटा जीरो, कोई काम नहीं। लाइट का बुरा हाल, पानी का बुरा हाल। सुरेंद्र रेवड़ी ने विधायक प्रमोद विज की बजाय बुल्ले शाह को ज्यादा तवज्जो दी। वहीं निगम घोटालों पर सुरेंद्र रेवड़ी ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन इरादे स्पष्ट कर दिया कि अब वह चुप रहने वालों में से नहीं है। यदि जनता ऐसे ही परेशान रहे तो वह अपना उग्र रूप भी सरकार को दिखाएंगे। मत देखो कि कौन कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से नहीं जीता। अगर कोई ज्यादा वोटों से जीता होता उतने वोटों से जनता हरा भी देती है। कि मैं कभी मैदान से भागा ही नहीं था। व्यक्ति को मौका मिलता है, किसी को अगर किसी व्यक्ति को कोई मौका मिला है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, उग्र रूप लूंगा। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और आगे भी मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। बहरहाल स्थिति से सुरेंद्र रेवड़ी ने फ्रंट फुट पर आकर नगर विधायक को बैक फुट पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेवड़ी की विधायक प्रमोद विज पर घेराबंदी कब तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।